पाक भारत कशीदगी अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 5 बजे तक बंद। अंदरून और बैरूने मुल्क आने और जाने वाली 34 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान रेलवेज ने समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी। समझौता एक्सप्रेस ने आज सुबह 7 बजे लाहौर से भारत रवाना होना था। अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ को चौकस रहने की हदायत। एक बार फिर अमन ने पहल पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। हमने कल इंतजार किया, आज एक्शन लिया। भारत को बताना था कि आप कार्रवाई कर सकते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन खदशा था कि भारत जरूर कार्रवाई करेगा। एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कल से शहरियों पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। जराए के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपए 71 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 44 पैसे, मिट्टी का तेल 8 रुपए 6 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 12 पैसे की कीमतों में फी लीटर इजाफे की सिफारिश। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। जोहर टाउन के इलाके में घर में आतिश दर्दगी, बच्चा झुलस कर जां बहक, 7 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आग घर में गैस भरने के बाइस लगी, सामान जलकर राख, रेस्क्यू हुकाम। मुस्तहिक खातीन, बच्चों और बुजुर्गों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। 65 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों के लिए बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत पेंशन देने की तजवीज़। खुसूसी अफराद के लिए हम कदम प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी गौर। शहबाज शरीफ ने नाम ECL में शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। एडवोकेट आज़म नज़ीर तारर की वसातत से दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर। और पानी को महफूज करने के लिए खातिर खा इकदाम ना किए गए। वाटर कमीशन का वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद पर अदम एतमिनान का इजहार। साफ पानी को महफूज करने से मुतल्लिक केस, पानी चोरी को बचाने के लिए वाटर पुलिस की क्याम की तजवीज़। चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से रिपोर्ट भी जमा।